नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक महाराजा कर्ण सिंह के उत्तराधिकारियों के बारे में। साथियों, इनसे आगे के शासकों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और अगर आपने वो जानकारियाँ नहीं प्राप्त करी हैं तो साथियों, मैं उन सभी जानकारियों का, उन सभी क्लासों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें अवश्य वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए साथियों, जिस प्रकार से हमने पहले की क्लासों में पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन किया था, उसी तरीके से आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जानकारियाँ लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ साथियों, आपको क्लासें बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी, आपने उन्हें एंजॉय भी किया होगा। तो प्लीज साथियों, क्लास को लाइक किया कीजिए और अपने सभी साथियों में इन क्लासों को शेयर अवश्य किया कीजिए। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो देखिए आज साथियों, हमारे पहले शासक होंगे महाराजा कर्ण सिंह। अब देखिए साथियों, कर्ण सिंह कौन होते हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये किसके उत्तराधिकारी थे, इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, और इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन से निर्माण कार्य होते हैं, साथियों वो सारी जानकारियां जो कि एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होती है, वह मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं महाराजा कर्ण सिंह के परिचय के बारे में। तो देखिए साथियों, महाराजा कर्ण सिंह मैंने लिखा है यहाँ पर, इनका साथियों टाइम पीरियड क्या होता है। सबसे पहली बात होती है टाइम पीरियड। तो साथियों, टाइम पीरियड होता है इनका 1620 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य का, यानी कि 1620 से लेकर 28 के मध्य में इन्होंने अपना कालक्रम चलाया था। इनके काल में जो भी घटनाएं घटी थी साथियों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमने इनके टाइम पीरियड को डिस्कस किया था, अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि भाई इनके पिता कौन थे, यह किसके उत्तराधिकारी हैं। तो साथियों, हमने इनसे पहले डिस्कस किया था महाराजा अमर सिंह के बारे में। साथियों, अमर सिंह कौन थे, तो यह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और साथियों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं महाराजा कर्ण सिंह के बारे में, यानी कि साथियों हम बात कर सकते हैं कि भाई अमर सिंह के पुत्र और महाराणा प्रताप के पौत्र के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। साथियों, देखिए यह कौन है, तो यह महाराजा अमर सिंह के तो पुत्र हैं तथा उत्तराधिकारी हैं। साथियों, आगे बात होती है इनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, पिचोला झील में जगत मंदिर का निर्माण करवाया था तथा वहीं पश्चात में खुर्रम को उसके विद्रोह में शरण दी थी। साथियों, देखिए यह मुगलों के सहयोगी थे, और यह पहले राजकुमार ऐसे थे जो कि मेवाड़ के पहले राजकुमार थे जो कि मुगलों की शरण में जाते हैं और उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। साथियों, इन्होंने मुगल बादशाह या फिर मुगल शहजादे तक साथियों आपको बता है कि भाई यह पहले खुर्रम ही था, क्योंकि खुर्रम का नाम साथियों यह एक राजकुमार था। तो खुर्रम जब अपने राज्य में विद्रोह कर रहा था, तो साथियों खुर्रम को इन्होंने अपने राज्य में शरण दी थी। और साथियों, शरण कहाँ पर दी थी, तो यह जगत मंदिर के अंतर्गत इन्होंने शरण प्रदान करी थी। साथियों, आगे बात होती है कि इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए थे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई उदयपुर में कर्णविलास तथा दिलकुश महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। साथियों, देखिए उदयपुर में कर्णविलास तथा दिलकुश महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। साथियों, देखिए पहले हमने बात करी थी जगत मंदिर का, जो कि पिछोला झील में करवाया गया था। अब साथियों, बात हो रही है उदयपुर शहर के अंतर्गत कर्णविलास और दिलकुश महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। साथियों, अंतिम लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी है इनके बारे में, तो देखिए मैंने लिखा है मेवाड़ के पहले राजकुमार जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे या फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। साथियों, इस प्रकार का जीवनकाल होता है कर्ण सिंह का, छोटा सा जीवनकाल है। साथियों, मैंने आपको बताया है 20 से लेकर 28 के मध्य में इनका घटनाक्रम चलता है, जो कि साथियों एक छोटी सी घटनाक्रम होती है। इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए थे, कौन कौन से साथियों जो भी एक तरह से आश्रय प्रदान करने के कार्य होते हैं कि भाई किसको इन्होंने कहाँ पर आश्रय प्रदान किया था, वो जानकारी साथियों एग्जाम में बनती है, तो मैंने आपको वो उपलब्ध करवाई है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे महाराणा जगत सिंह के बारे में, जो कि साथियों हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से एक प्रमुख शासक बनते हैं, और साथियों हमें इनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं महाराजा जगत सिंह के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है महाराणा जगत सिंह प्रथम। साथियों, टाइम पीरियड क्या है, तो 1628 से लेकर 1652 ईस्वी का इनका टाइम पीरियड होता है। साथियों, ये कौन थे, इनका परिचय क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी व पुत्र, यानी कि साथियों ये महाराणा कर्ण सिंह के तो पुत्र थे और उन्हीं के उत्तराधिकारी थे, यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात में तत्काल इन्हें गद्दी की प्राप्ति होती है। साथियों, आगे बात करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह अपनी दानवीरता तथा वाक्पटुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे या फिर बहुत फेमस थे। साथियों, यह बहुत ही ज़्यादा दानवीर थे और यह अपनी जो वाक चातुरता थी साथियों, वाक्पटुता या फिर वाक चातुरता, इसके अंतर्गत बहुत ही निपुण थे। यह अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते थे और साथियों दानवीर होने का गौरव इन्हें बहुत ज़्यादा प्राप्त था, यानी कि साथियों अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और वाक्पटुता के लिए यह प्रसिद्ध थे। साथियों, आगे बात करते हैं, तो देखिए एक बार इनको सपना आता है, और साथियों उस सपने के अंतर्गत इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो साथियों उसी मंदिर को, उसी सपने से प्रभावित होकर उन्होंने, यानी कि इन्होंने महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर शहर में जगन्नाथ मंदिर का या फिर सपनों के मंदिर का या फिर जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। साथियों, देखिए तीन नाम हैं, एक ही मंदिर के नाम हैं।
तो इसी एक ही मंदिर को जगन्नाथ मंदिर जो कि साथियों है उदयपुर में, इसी को जगदीश मंदिर और सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। तो साथियों इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा जगत सिंह के द्वारा। साथियों आगे जानकारियां बनती हैं, तो देखिए साथियों इसी मंदिर के पास में, इसी माफ कीजिए पहले बात करते हैं, इसी मंदिर की दीवार के ऊपर साथियों आपको एक प्रशस्ति देखने को मिलेगी। साथियों कौन सी प्रशस्ति, तो प्रशस्ति का नाम है साथियों जगन्नाथ प्रशस्ति। देखिए साथियों जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता हैं कृष्ण भट्ट। आप इसे नोट कीजिएगा साथियों, एग्जाम्स में कई बार इन प्रशस्तियों से क्वेश्चन बनते हैं, और साथियों प्रशस्ति के बारे में हमने एक क्लास पूरी लगाई है। अगर साथियों आप राय लिखेंगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर कि भाई ऑनलाइन स्टडी ORG शिलालेख प्रशस्तियाँ, तो आपको सारी क्लासेस साथियों जो कि मेरे द्वारा लगवाई गई थी पूरे डिटेल में, पूरे विस्तृत तौर पर प्रशस्तियों शिलालेखों के बारे में साथियों वो आपको प्राप्त हो जाएगी। साथियों आप उन्हें वहाँ पर देखकर पूरी एक तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में, शिलालेखों के बारे में और प्रशस्तियों के बारे में। साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई मंदिर की दीवार के ऊपर जगन्नाथ प्रशस्ति अंकित है, और उस प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो साथियों उस प्रशस्ति के रचयिता हैं कृष्ण भट्ट। अब साथियों देखिए इनके बारे में डिटेल्स जो कि हैं इतनी ही बनती है जो कि मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। अब साथियों बात करेंगे हम इनके पश्चात में बनने वाले शासक महाराणा राज सिंह के बारे में। साथियों देखिए महाराणा राज सिंह कौन होते हैं, यह मेवाड़ के साथियों एक वीर सेनापति होते हैं, साथियों सेनापति नहीं वीर शासक होते हैं जो कि अपने काल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। साथियों इनका टाइम पीरियड क्या बनता है, साथियों सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो देखिए साथियों सबसे पहले बात करते हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है भाई 1652 से लेकर 1680 के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। साथियों देखिए 1652 से पहले कौन था, तो 52 से पहले थे जगत सिंह प्रथम। साथियों जगत सिंह प्रथम की मृत्यु होती है 1652 में। अब उनकी मृत्यु के पश्चात में उन्हीं का साथियों उत्तराधिकारी होता है हमारे महाराणा राज सिंह। तो साथियों राज सिंह गद्दी पर बैठते हैं 1652 में और ये 80 तक शासन करते हैं, यानी कि साथियों इनका लंबा शासनकाल चलता है, लगभग 30 वर्षों का साथियों शासनकाल होता है जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। और साथियों इसी शासनकाल के अंतर्गत इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो कि इन्हें अन्य सभी शासकों से अलग कड़ी में लाकर खड़ा कर देते हैं। साथियों देखिए हमने जाना था कि भाई इनके उत्तराधिकारियों की, यानी कि साथियों उत्तराधिकारी नहीं, यह जिनके उत्तराधिकारी थे यानी कि इनसे इनके पूर्वजों ने एक तरीके से मुगलों की शरण ले ली थी। साथियों देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई कर्ण सिंह के द्वारा अपने खुर्रम को वो क्या नाम है सहायता प्रदान करी गई थी, उसे आश्रय प्रदान किया गया था। और साथियों कर्ण सिंह ही पहले राजकुमार थे जो कि मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भाई इनके पूर्वजों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु साथियों राज सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने उन अधीनताओं को वापस से हटा दिया, यानी कि उन सभी अधीनताओं का त्याग किया और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने पर बल दिया था। साथियों इनके पूर्वजों ने जो भी मुगलों के साथ में संबंध स्थापित किए थे उन सभी संबंधों को इन्होंने तोड़ दिया था, उन सभी संधियों को इन्होंने समाप्त कर दिया था। साथियों वो सारी जानकारियां मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो प्लीज़ साथियों मैं आशा करता हूँ जानकारियां आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी, आपने पूरी क्लास को साथियों एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए और साथियों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहले बात करेंगे महाराणा राज सिंह के बारे में, तो साथियों इनका टाइम पीरियड होता है 1652 से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य का। साथियों कौन है ये, तो ये जगत सिंह प्रथम के उत्तराधिकारी हैं। साथियों देखिए पुत्र नहीं है, यह उनके उत्तराधिकारी हैं। अब साथियों देखिए एक इन्होंने एक उपाधि ग्रहण करी थी, साथियों उपाधि कौन सी थी, तो विजय कदकाटू की उपाधि इन्होंने ग्रहण करी थी। साथियों देखिए उपाधि का नाम है विजय कदकाटू, आप साथियों नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधि है और एग्जाम्स में कई बार बनी भी है कि भाई यह उपाधि किसने ग्रहण करी थी, तो साथियों यह महाराणा राज सिंह के द्वारा ग्रहण करी गई थी। साथियों आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे पहले बात करें कि इनके द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए गए थे। साथियों निर्माण कार्यों में इन्होंने बहुत से ऐसे ऐसे निर्माण कार्य करवाए थे जो कि तत्काल में बहुत ही एक तरीके से खतरनाक निर्माण कार्य थे, क्योंकि साथियों इन्होंने उन सभी चीज़ों का निर्माण करवाया जिसका केंद्रीय शासन ने या फिर केंद्रीय सत्ता ने विरोध किया था। साथियों केंद्रीय सत्ता कहती थी कि भाई मंदिरों का निर्माण नहीं करवाना है, तो इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। साथियों केंद्रीय सत्ता कहती थी कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का पूर्ण निर्माण नहीं होना चाहिए, परंतु इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का पूर्ण निर्माण करवाया था। साथियों ऐसे और भी कार्य थे जो कि केंद्रीय सत्ता के विरोध में थे, परंतु इन्होंने वह करवाए थे। साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट कि भाई कौन कौन से निर्माण कार्य हैं जो कि इन्होंने करवाए थे। साथियों की सबसे पहला बात होती है गोमती नदी के ऊपर राजसमंद झील या फिर डेबर झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। साथियों आप नोट कीजिएगा गोमती नदी पर राजसमंद झील, साथियों राजसमंद हो सकती है या फिर साथियों माफ कीजिएगा राजसमंद ही इसका नाम है, क्योंकि डेबर झील साथियों जैसमंद झील का दूसरा नाम है, माफ कीजिएगा मुझे। तो देखिए साथियों गोमती नदी के ऊपर इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। साथियों पहला निर्माण हो चुका है, दूसरा साथियों होता है राजनगर कस्बा,
तो देखिए, राजसमंद जिले के अंतर्गत ही एक कस्बा है, तो साथियों उस कस्बे का नाम है राजनगर। तो साथियों राजनगर कस्बे का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था या फिर उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा करी गई थी। साथियों आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट हमने कवर किया है, उदयपुर में अम्बा माता तथा बहोरा गणेश जी का मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। साथियों देखिए, उदयपुर शहर के अंतर्गत दो मंदिर इन्होंने बनवाए थे, तो कौन कौन से हैं, अम्बा माता का और बहोरा गणेश जी का मंदिर, जो कि साथियों उदयपुर में स्थित हैं। साथियों अब अभी आगे बात करते हैं, तो देखिए इन्होंने काकरोली में द्वारकाधीश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। साथियों आगे बात करेंगे हम इनके द्वारा जो बनवाए गए प्रमुख मंदिर थे सिरनाथ जी के मंदिर के बारे में। तब तो देखिए उससे पहले हम बात करेंगे, अभी देखिए हमने देखिए जाना है कि वह निर्माण कार्यों के बारे में। अब साथियों बात करेंगे चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था, तो साथियों देख सकते हैं कि वह चित्तौड़ दुर्ग का भी पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। साथियों इसी निर्माण के साथ में उन्होंने मुगलों के खिलाफ जो भी संधियां थी उन सभी संधियों का बहिष्कार किया और उन सभी संधियों को त्याग दिया था। तो साथियों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर मुगलों के साथ में सभी संधियों को समाप्त किया या फिर उन सभी संधियों का बहिष्कार किया था। साथियों आगे बात होती है कि भाई औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को, साथियों औरंगजेब ने पूरे भारत में जजिया कर लगाया था, परंतु इन्होंने साथियों एकमात्र शासक यह थे जो कि जजिया कर का विरोध करते हैं, और साथियों इन्होंने अपने राज्य मेवाड़ के अंतर्गत जजिया कर को लागू नहीं होने दिया था। तो साथियों एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है इनके बारे में कि भाई इन्होंने मेवाड़ में जजिया कर को लागू नहीं होने दिया था। साथियों देखिए इन सभी चीज़ों से औरंगजेब इनसे नाराज होगा और यह इन पर आक्रमण करने के लिए सदैव प्रेरित रहेगा। साथियों आगे बात होती है 1671 ईस्वी में, साथियों 1671 ईस्वी में नाथद्वारा की स्थापना कर वहाँ पर बल्लभ संप्रदाय के भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर इसके द्वारा बनवाया गया था। साथियों कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जो वल्लभ संप्रदाय के श्रीनाथ जी भगवान हैं यह कृष्ण के बाल रूप हैं। साथियों इनकी मूर्ति आती है मथुरा से, क्योंकि साथियों मथुरा के अंतर्गत तत्काल में औरंगजेब ने आदेश दे रखा था कि मथुरा क्षेत्र में या फिर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए और उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाए। साथियों इस चीज़ से, इस घटना से सुनकर, यानी कि इस घटना की जो जानकारी प्राप्त होती है तत्काल में उस मंदिर के पुजारियों को, तो वह मंदिर के पुजारी साथियों उस मूर्ति को उठाकर आ जाते हैं हमारे मेवाड़ क्षेत्र में, जहाँ पर साथियों मेवाड़ क्षेत्र में उन दोनों पंडितों को एक तरीके से राज सिंह ने शरण प्रदान करी थी और कुछ समय पश्चात में वहां पर उनके लिए एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई नाथद्वारा का जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर यह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह बनवाया गया था राज सिंह के द्वारा, और साथियों कब बनवाया गया, तो 1671 ईस्वी में बनवाया गया था। साथियों आगे बात करते हैं, तो देखिए इन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह तथा दुर्गादास राठौड़ को शरण प्रदान करी थी और औरंगजेब को खुद का विरोधी बना लिया था। साथियों ये अजीत सिंह कौन है, तो अजीत सिंह साथियों वही शासक है जिसका जन्म के कुछ समय पश्चात ही औरंगजेब इनका अपहरण कर लेता है। साथियों अपहरण के पश्चात में वीर दुर्गादास राठौड़, जो कि साथियों मारवाड़ का एक सरदार हुआ करता था, यह जाते हैं मुगल बादशाह के पास में और वहां पर साथियों अपने साथियों के सहयोग से, यानी कि दुर्गादास ने अपने साथियों के सहयोग से पुनः अजीत सिंह को छुड़वाया और यह अपने जीवन को या फिर अपनी जान की बलि लगाकर अजीत सिंह की रक्षा करते हुए कुछ दिनों तक छुपते फिरे थे। और साथियों उन्होंने छिपकर कुछ टाइम का समय तो वह महाराणा राज सिंह के दरबार में भी बिताया था। साथियों इस प्रकार से जब औरंगजेब को जानकारी प्राप्त होती है कि वे राज सिंह ने अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण दे रखी है, तो औरंगजेब इनसे नाराज होता है। साथियों अगला कारण बनता है, देखिए अगला पॉइंट निकल कर आता है इनके दौरान जो विशेष कार्य था उसके अंतर्गत। साथियों इन्होंने राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था, जिससे पूर्व औरंगजेब विवाह करना चाहता था। साथियों देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इन्होंने कृष्ण किशनगढ़ की, साथियों आपको मैंने बताया था कि भाई मारवाड़ जो राज्य स्थापित हुआ था उसके पश्चात में साथियों बीकानेर की स्थापना होती है। कौन करता है बीकानेर की स्थापना, तो साथियों मारवाड़ राजवंश का ही एक व्यक्ति होता है, एक शासक होता है जो कि बीकानेर राठौड़ शाखा की स्थापना करता है। अब साथियों राठौड़ शाखा जो कि बीकानेर की है उसी में से एक व्यक्ति निकलेगा और वह किशनगढ़ में राठौड़ शाखा की स्थापना करेगा। तो साथियों वह वही राठौड़ शाखा है जो कि बीकानेर से आई थी या फिर जिसकी स्थापना करने वाला बीकानेर का शासक हुआ करता था। साथियों देखिए उसी शाखा में, किशनगढ़ की शाखा में एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम है चारुमती। साथियों चारुमती से विवाह करना चाहता था पूर्व में औरंगजेब, परंतु औरंगजेब से विवाह करने से पूर्व ही महाराणा राज सिंह ने इससे विवाह कर लिया था। तो साथियों इससे औरंगजेब नाराज होता है और वह अपने किशनगढ़ के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है। साथियों जब विवाह हो रहा था तो औरंगजेब की सेना किशनगढ़ की सीमाओं के पास पहुंच जाती है साथियों, परंतु राज सिंह ने अपने रतन सिंह को कहा, देखिए
रतन सिंह को कहा कि भाई आप जाइए और मेरी सेना यानी कि औरंगजेब की सेना को रोकिए। तो साथियों इसी घटना के सामने आपको देखने को मिलता है कि भाई हाड़ी रानी सहल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर कौन थी? तो साथियों रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी। इन्होंने अपने पति को अपना सर काटकर थाली में रखकर दे दिया था कि भाई युद्ध के समय के अंतर्गत आपको मेरी याद ना आए और आप शत्रु का दमन पूरी तरीके से करके आना। साथियों इस घटना से देखते हैं कि भाई एक तरीके से राजपूत सतरानी थी जिसने अपने पति को याद ना सतावे इसीलिए उसने अपनी बलि दे दी थी और वह अपने आपको सती एक तरीके से पति के पक्ष में या फिर उसकी विजय के पक्ष में अपनी जान न्यौछावर कर देती है। तो साथियों इस प्रकार का घटनाक्रम हमारे को देखने को मिलता है महाराणा राज सिंह के काल का। साथियों इन्होंने विवाह किया था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में। इन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था, बहुत से साथियों इमारतें इनके द्वारा बनवाई गई थी। और साथियों ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने यानी कि जगत सिंह के पश्चात में साथियों पहले शासक थे जिन्होंने अपने मुगलों से लोहा लिया और मुगलों के साथ में जो भी संधियां थी उनको समाप्त कर दिया था। साथियों अब आगे बात करेंगे महाराणा राज सिंह के इतिहास के बारे में, फिर राज सिंह नहीं जय सिंह के बारे में। साथियों जय सिंह कौन है? तो यह राज सिंह का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। तो इनके इतिहास के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है महाराणा राज माफी जय सिंह, महाराणा जय सिंह साथियों इनका टाइम पीरियड होता है 1980 से लेकर 1998 ईस्वी के मध्य का। साथियों ये कौन है? तो यह राज सिंह का तो पुत्र है और साथियों पुत्र होने के साथ में यह उन्हीं के उत्तराधिकारी भी हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इनके द्वारा एक निर्माण कार्य करवाया गया था साथियों जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथियों क्या है वह? तो इन्होंने गोमती, झागरी और रूपारेल तथा बागर, साथियों चार प्रमुख नदियां हैं, तत्कालीन नदियां हैं, गोमती नदी, बागरी नदी, झागर नदी और रूपारेल नदी, इन सभी नदियों का पानी को रोककर इन्होंने जयसमंद या फिर डेबर झील का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। साथियों आगे जानकारी मिलेंगे हम महाराणा अमर सिंह के इतिहास के बारे में। देखिए साथियों छोटे छोटे शासक बचे हैं, अब इनके बारे में कोई विशेष डिटेल्स नहीं बनती है, परंतु फिर भी साथियों में कुछ पॉइंट होते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से नजरिए हुए इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन सभी को आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। आगे बात करते हैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में। तो साथियों अमर सिंह द्वितीय देखिए 1698 ईस्वी से लेकर 1710 ईस्वी के मध्य में शासन कार्य संपन्न करते हैं। साथियों इनके काल में एक समझौता हुआ था, समझौता क्या है? तो 1708 ईस्वी के अंतर्गत साथियों देवारी समझौता होता है। साथियों देवारी समझौता समझौता क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई इन्होंने देवारी समझौता किया था और यह किस किस के मध्य में हुआ था। तो यह अमर सिंह द्वितीय के मध्य में जो कि मेवाड़ से थे, साथियों दूसरे व्यक्ति कौन थे? अजीत सिंह राठौड़ थे जो कि मारवाड़ के व्यक्ति थे, और साथियों तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे सवाई जय सिंह, आमेर के व्यक्ति थे। साथियों देखिए इनके तो इनको तो अपना शासन यानी कि अपने पिता से प्राप्त हुआ था, परंतु दो व्यक्ति ऐसे थे जो कि अजीत सिंह साथियों कौन था? तो ये अजीत सिंह वही शासक हैं जिसको शरण दी थी हमारे महाराणा राज सिंह ने। साथियों किसके विरुद्ध दी थी? तो औरंगजेब के विरुद्ध प्रदान करी थी। साथियों अजीत सिंह वही व्यक्ति है जिनका औरंगजेब अपहरण कर लेता है बाल्यकाल में ही, परंतु उन्हें पश्चात में साथियों जब गद्दी पर बैठना होता है तो उसके अंतर्गत वीर दुर्गादास राठौड़ के साथियों माध्यम से इन्हें सहायता प्राप्त होती है और यह अपने शासन कार्य को स्थापित करते हैं। साथियों देखिए एक तो यह है कि अजीत सिंह को अपने शासन कार्य स्थापित करने में मदद करनी होगी, साथ ही दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है सवाई जय सिंह को भी अपने शासन कार्य स्थापित करने में मदद करनी होगी। साथियों समझौता होता है देवारी समझौता जो कि तीन राजाओं के मध्य में हुआ था। साथियों तीन राजा नहीं है, दो तो नॉर्मल व्यक्ति हैं क्योंकि यह अभी राजा नहीं है जब समझौता हुआ था। साथियों केवल राजा थे हमारे अमर सिंह द्वितीय जो कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। साथियों इनके काल में यह एकमात्र समझौता होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के नजरिए से। अब साथियों बात करेंगे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के इतिहास के बारे में। साथियों देखिए इनका इतिहास भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, परंतु साथियों कुछ जानकारियाँ होती हैं जो कि हम जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि साथियों एग्जाम के नजरिए से कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हर शासक के मध्य से निकल कर आते हैं। तो साथियों अब जानकारी प्राप्त करेंगे भाई इनके टाइम में कौन कौन सी घटना थी जो कि इम्पोर्टेंट बनाती है एग्जाम के नजरिए से इनको। साथियों देखिए इन्होंने मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन का आयोजन करने की योजना बनाई थी। साथियों एक सम्मेलन हुआ था हुरडा सम्मेलन, साथियों हुरडा सम्मेलन का आयोजन करने की योजना इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, परंतु साथियों इस तरह के दुर्भाग्यवश होता क्या है जब इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई संग्राम सिंह ने हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई थी परंतु उस सम्मेलन के आयोजन से पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों आगे बात करते हैं, देखिए इनके द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन से करवाए गए थे। तो इनके द्वारा साथियों बात बनती है कि भाई उदयपुर में सहरियों की बाड़ी तथा सीस रमा के गाँव के अंतर्गत भगवान वेदनाथ जी का मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया था। साथियों
इस प्रकार से इनके टाइम पीरियड के बारे में जानकारियां हमने प्राप्त करी हैं। साथियों अब हम आगे की क्लास में बात करेंगे महाराजा हमारे अपने साथियों उदयपुर के शासक महाराजा जगत सिंह द्वितीय के बारे में और भीम सिंह के बारे में। साथियों मैं आशा करता हूं आपको जानकारी जो मैंने प्रदान करी है वह बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। साथियों देखिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे नोट कीजिए। जब तक के लिए साथियों मैं आपको यहां पर अन्य चीज़ें लिखकर देता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर साथियों स्क्रीनशॉट नहीं ली है तो प्लीज़ आप इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको साथियों बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करने में मदद मिल सके। साथियों क्योंकि यह एग्ज़ाम के नज़रिए से साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्रिम क्रिम चीज़ें होती हैं साथियों, वह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि साथियों हमें वही चीज़ें पढ़नी है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और साथियों फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। तो प्लीज़ साथियों जिस तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं आप भी उसी वे के अंतर्गत कुछ नोट्स को तैयार कीजिए, और साथियों जो चीज़ें मैं बोलता हूँ क्योंकि साथियों यहाँ पर हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता है साथियों, इसीलिए जो चीज़ें मैं बोलता भी हूँ आप उन्हें भी नोट किया कीजिए क्योंकि साथियों वह चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और कहीं ना कहीं इनसे रिलेट करने वाली होती है। अब साथियों बात करेंगे हम मेवाड़ के इतिहास में दो अंतिम शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बारे में, और साथियों उनके पश्चात में हम बात करेंगे महाराणा भीम सिंह के बारे में। साथियों देखिए दोनों ही इम्पोर्टेंट शासक हैं और किस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट बनते हैं हमारे लिए साथियों वो जानकारियां मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो साथियों देखिए प्लीज़ बात कीजिएगा समझिएगा कि भाई महाराणा जगत सिंह द्वितीय कौन थे। साथियों ये थे हमारे देखिए इनका सबसे पहले बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में, तो साथियों टाइम पीरियड होता है 1734 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। साथियों ये संग्राम सिंह जी थे द्वितीय उनके पुत्र थे, क्योंकि साथियों संग्राम सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई इन्होंने यानी कि संग्राम सिंह ने हुरड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करी थी। तो साथियों हुरड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाले संग्राम सिंह की मृत्यु कब होती है, तो साथियों इनकी मृत्यु होती है इस सम्मेलन के आयोजन से पूर्व ही। साथियों देखिए अब सम्मेलन से आयोजन से पूर्व उसके यानी कि रूपरेखा तैयार करने वाले की तो मृत्यु हो चुकी है, परंतु साथियों अब उन्हीं के पुत्र जो कि जिनके काल में इस सम्मेलन का आयोजन होगा साथियों कब होगा, तो हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन होगा 1734 ईस्वी के मध्य में। साथियों 1734 ईस्वी के मध्य में जब इस सम्मेलन का आयोजन होता है तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे महाराणा जगत सिंह जो कि संग्राम के पुत्र हैं। तो साथियों आप समझ सकते हैं कि भाई इन्हीं के पुत्र यानी संग्राम सिंह के पुत्र ने 1734 के अंतर्गत हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था और उसकी अध्यक्षता संपन्न करी थी। साथियों आगे जानकारी बनती है कि भाई इन्होंने अपने निवास के लिए जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। अगर साथियों बात करते हैं कहाँ पर करवाया था, तो साथियों उदयपुर में करवाया था, और उदयपुर में भी कहाँ पर, तो उदयपुर में पिछोला झील में जगत निवास महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। साथियों इस प्रकार जानकारी कवर होती है इनके बारे में। अब देखिए साथियों अब बात करेंगे हम महाराणा भीम सिंह के बारे में। साथियों यह प्रमुख शासक हैं और देखिए इन्हीं के काल में अपना मेवाड़ राज्य अंग्रेजों के साथ संधि करेगा, और साथियों उस संधि के पश्चात में मेवाड़ राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे अंग्रेजों की हो जाएगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में मेवाड़ की एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से बागडोर मेवाड़ के हाथों माफी कंपनी के हाथों में आ जाती है। साथियों इन्हीं की पुत्री थी कृष्ण कुमारी। साथियों कृष्ण कुमारी का सगाई होती है अपने मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में। साथियों भीम सिंह की मृत्यु सगाई से कुछ समय पहले ही हो सगाई के कुछ समय पश्चात में हो जाती है, यानी कि साथियों विवाह के कुछ समय पहले भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। साथियों उसकी मृत्यु के पश्चात में कृष्ण कुमारी के पिता भीम सिंह ने यानी कि मेवाड़ के भीम सिंह ने इसकी सगाई करी थी हमारे जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में। साथियों सवाई जिस जगत सिंह हाल में, तो साथियों देखिए वहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई दोनों पक्षों के मध्य में मारवाड़ और जयपुर के मध्य में विवाद होता है। साथियों हो सकता है शायद यहाँ पर जयपुर के शासक जिसका नाम मैंने आपको बताया है ये साथियों कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इसे नोट कर मत कीजिएगा साथियों, आप अपने हिसाब से इसे नोट कीजिएगा। साथियों आपको देखने को मिलेगा जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था तो मारवाड़ में शासक आपको देखने को मिलेगा कि महाराणा भीम सिंह। तो साथियों भीम सिंह के काल में आपको पूरी जानकारी मैंने इस युद्ध के बारे में बताई थी। साथियों कहाँ पर हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, किस घटनाक्रम की आपको जानकारी मिलती है, साथियों सारी जानकारी मैंने आपको इस युद्ध के बारे में एक तरीके से इस विवाद के बारे में पहले बता दी है। साथियों इसीलिए आप उसे वहां से देख सकते हैं कि भाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के इतिहास को साथियों आप खगालिएगा, वहां पर सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएगी। साथियों देखिए मैंने आपको बताया कि भाई इनकी पुत्री कृष्ण कुमारी को लेकर मारवाड़ और जयपुर के मध्य में विवाद होता है। साथियों इस विवाद के अंतर्गत जयपुर की विजय प्राप्ति होती है, परंतु साथियों इनकी पुत्री को इन्होंने जहर देकर मार दिया था।
सत्य के यहाँ पर विवाद हो रहा है, तो इसी विवाद से ये चिंतित होते हैं कि मेरी बेटी को लेकर दो राज्य की सेनाएं भिड़ चुकी हैं और मेरी पुत्री का नाम खराब होगा। तो साथियों इसीलिए इन्होंने अपनी पुत्री को ही समाप्त करना उचित समझा। साथियों देखिए मैंने आपको बताया कि 1818 ईस्वी के अंतर्गत इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि स्वीकार कर ली थी। और इस प्रकार से साथियों आज की इस क्लास में हम यहाँ पर अंतिम अध्याय के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था महाराणा जब भीम सिंह के बारे में। और साथियों देखिए यहाँ पर भीम सिंह के साथ में इस मेवाड़ के इतिहास का यानी कि गौरवशाली इतिहास का अंत होता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैं कंपनी के साथ में यहाँ पर संधि हो चुकी है। साथियों इसके पश्चात में मेवाड़ पतन की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पर साथियों छोटे बड़े शासक आते हैं। साथियों आज भी वहाँ पर छोटा मोटा शासन कार्य चल रहा है, परंतु कोई इंपोर्टेंट साथियों जानकारियाँ नहीं बनती है इनके बारे में। एग्जाम में दृष्टि साथियों क्वेश्चन बनते हैं, तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी संधि के पहले तक के शासकों से क्वेश्चन बनते आए हैं। तो साथियों मैंने आपको पूरे मेवाड़ के इतिहास में पूरे विस्तृत तौर पर जानकारियाँ प्रदान करी थी। और साथियों मैं आशा करता हूँ आपको मेवाड़ राज्य की हर जानकारी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, आपने उन सभी जानकारियों को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे कि साथियों आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, और मिलते हैं अगली क्लास में जयपुर के राजवंश के बारे में, यानी कि साथियों हम बात करेंगे आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में, जो कि साथियों हमारी अगली क्लास में शुरुआत करेंगे। साथियों धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली क्लास में।